गंगा रक्षा के लिए 24 जून से अनशन कर रहे संत गोपाल दास का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाने के बाद उनकी मां और भाई ने हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम पहुंचकर प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि लापता संत गोपाल दास की बरामदी के लिए अनशन पर बैठने की बात कही जा रही है। मातृ सदन आश्रम में पहुंचे लापता संत गोपाल दास के परिजनों ने कहा कि सरकार ने अनशन कर रहे संत गोपाल दास के साथ बहुत नाइंसाफी की है और उन्हें गायब करवाने में भी सरकार की ही मिलीभगत है। इतना ही नहीं, गोपाल दास के परिजनों ने लापता संत के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि जब तक संत गोपाल दास सही सलामत उन्हें वापस नहीं मिल जाते, तब तक ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर वे अनशन पर बैठेंगे। हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में 11 अक्टूबर को अनशन कर रहे संत स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद की मौत के बाद संत गोपाल दास उनकी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए मातृ सदन आश्रम में अनशन पर बैठ गए थे, जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने उनको उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया था। उसके बाद लगातार कई अस्पतालों में उनको रेफर किया गया। बीते 4 दिसंबर की रात से संत गोपाल दास संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। अब एक हरिद्वार तीर्थ नगरी के लिए और ऋषिकेश तीर्थ नगरी के लिए, साधुओं की नगरी के लिए एक और कलंक का विषय हो गया कि एक और संत को शासन प्रशासन ने गायब करा दिया है और उनके खोज के लिए उनके माँ को उतरना पड़ रहा है अनशन पर। हमारी तो यही मांग है कि संत जी, हमें किसी का कोई बुरा नहीं किया है गंगा जी के नाम से, और जो ये सांसद जी की, महाराज जी की मैं आप पहले ही अपने प्राणों की आहुति दी दी गई, उसके लिए ही वो उनके साथ मिले, उन्हीं मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ त्रिवेणी घाट पर अनशन पर बैठे हुए थे, और इन्होंने प्रशासन वालों ने उनके साथ बड़ा मतलब उसको बड़ा परेशान किया। कई दूर दूर तक हॉस्पिटलों में, कहीं दिल्ली, कहीं चंडीगढ़ PGI में उनको ले जाया गया, और अब उसको 3 तारीख से है एम से गायब ही कर दिया, ये नहीं पता चल रहा, ये कुछ नहीं लग रहा। इसीलिए तो हम यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए आए कि उनका पता लगना चाहिए, सही सलामत मेरे को, मेरे बेटे को दिखाएं, लाएं मेरे सामने, और उनके जो मांगे हैं वो उनकी मांगों को पूरा करें। मांग तो हमारी सबसे पहले यही है कि सबसे पहले तो हमारे संत गोपाल दास जी को हमसे मिलवाएं। लगभग पिछले दस दिनों से उनका कुछ पता पता नहीं है। अभी 4 संत अपने बलिदान दे चुके हैं माँ गंगा के लिए। हमें अभी संत गोपाल दास जी के साथ भी यही अनहोनी नजर आती दिखाई दे रही है। 10 दिन से उनका किसी सिंगल आदमी को पता नहीं है वो है कहाँ पर। हमारी तो यही मांग है उनको सही सलामत हमारे को सौंपे, और हम जो सानंद जी की आवाज़ है उसको हम उठाएंगे। माता जी आज त्रिवेणी घाट पर अमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, जब तक जो सानंद जी ने आवाज़ उठाई थी गंगा एक्ट की, उसको सरकार पूरी करे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अनशन पर बैठेंगे। और दूसरी बात, जो एम्स हॉस्पिटल का जो उन्होंने कारनामा किया है, अस्पताल का और डॉक्टर का काम होता है मरीज को इलाज करना, उसको ठीक करना, ना कि तड़पाना, उसको अत्याचार करना, वो संत जी के साथ ऐसा घिनौना काम एम्स हॉस्पिटल ने किया है। इसके पीछे तो ये सरकार की मिलीभगत है, दिखाई दे रही है, इसका आपको भी पता है और पूरे देश को पता है कि भाई वो सच्चे आदमी है, उन्होंने आवाज उठाई है। सानंद जी अपने प्राण दे चुके हैं, 4 संत, अभी वही काम ये संत गोपाल दास जी से के पीछे पड़े हुए हैं।